इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए इस शॉर्ट को मज़ीद देखें। गोश्त को आपने पानी और नमक और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बॉईल करना है। फिर आपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें और अदरक काट लेना है। ये गोश्त जो है वो गल चुका है। मिर्चें मैंने इस तरह से कट की हुई है, 2 प्याज है चॉप किए हुए, 3 टमाटर हैं चॉप किए हुए, बटर और ऑयल दोनों को मिक्स किया है मैंने। बटर जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है कढ़ाई में, तो इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको फिर आपने अच्छे से सौते करना है। और फिर आपने प्याज डालने हैं, प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है, प्याज को आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। फिर उसके अंदर आपने हरी मिर्चें डालनी है कट की हुई, जैसे कि आपको इसमें शॉर्ट में भी नज़र आ रहा है। हरी मिर्चें 3 से 4 ले लें। मसाले आपने अपने हस्ब जायका लेनी है, मैं ऊपर मेंशन भी कर देती हूँ। फिर आपने टमाटर डालने हैं, 3 से 4 टमाटर डालने हैं। गोश्त जो आपने बॉईल किया हुआ है वो आपने डाल देना है। गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है ऐसे। गोश्त आपने डाला है और आपने फिर गोश्त को इन मसालों में, टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं पकाया था, टमाटर जैसे ही डाला उसके साथ ही गोश्त डाल दिया था मैंने। और फिर ये देखें, ये फाइनल लुक है इस मटन कढ़ाई की।